हे गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की स्टूडियो में। दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से श्रम कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो, वो भी फ्री में। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, आप फ्री में घर बैठे श्रम कार्ड बना सकते हो। गाइस, यहाँ पर आप श्रम कार्ड बनाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार की ओर से जो भी आपको आर्थिक सहायता मिलती है, जो भी योजनाएं निकलती है, उनकी जो भी राशि है वो आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। गाइस, यहाँ पर श्रम कार्ड में एक UAN नंबर होता है, यूनिवर्स अकाउंट नंबर, जो कि आधार कार्ड के जैसे ही होता है। उस कार्ड के थ्रू, उस नंबर के थ्रू गाइस यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से जो भी योजना निकलती है, जो भी आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। गैस, श्रम कार्ड से रिलेटेड आपको साइक साइड डिटेल शेयर करने वाला हूँ उस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। गैस, यहाँ पर आप श्रम कार्ड के थ्रू यहाँ पर पैसे भी अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर है तो आप यहाँ पर आसानी से पैसे भी अर्न कर सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी गाँव में जाकर या फिर कहीं पर आप अपने लैपटॉप और प्रिंटर के थ्रू आप यहाँ पर श्रम कार्ड बना के लोगों को दे सकते हो, जहाँ पर कि आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो उसके थ्रू। गैस, यहाँ पर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आप किस तरह से आपको श्रम कार्ड को बनाना है। गैस, आपको यहाँ पर श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है shram.government.in। आप जैसे टाइप करते हो देन आपको यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप गैस यहाँ पर आपको श्रम कार्ड बनाने के लिए, श्रम कार्ड पर रजिस्टर करने के लिए गैस यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर ऑन श्रम एंड ऑलरेडी रजिस्टर ऑन श्रम। अगर आप यहाँ पर श्रम कार्ड बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑन श्रम पर क्लिक करना है। देन अगर आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गैस यहाँ पर आपको याद रहे, अगर आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है तभी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर अपने नज़दीकी KYC पॉइंट पर जाना है, देन आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। गैस, आपको यहाँ पर श्रम कार्ड बनाने के लिए सिंपल से आपको रजिस्टर ऑन श्रम पर क्लिक कर देना है। देन आप जैसे क्लिक करते हो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गैस यहाँ पर आपको पूछेगा आधार लिंक मोबाइल नंबर, आपके आधार जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आपको यहाँ पर सिंपल सा टाइप कर देना है। और नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है एंटर कैप्चा, आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आप जैसे फिलअप करते हो आपको आपके पास नीचे एक ऑप्शन आता है, आर यू मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड, आपको इन दोनों ऑप्शंस में नो कर देना है। देन नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। देन गाइस, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको यहाँ पर अपना OTP एंटर कर देना है। देन सबमिट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन गाइस, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। देन सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना है। देन आप जैसे क्लिक करते हो सबमिट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर एक और आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गैस, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना है, आपका नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है, आपको फिलअप कर देना है। देन गैस, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो भी ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। अगर वहाँ पर आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। देन यहाँ पर जो भी डिटेल आपकी फिलअप है वो अब सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जैसे कि आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर, देन आपका MLID, आपका मेरिटल स्टेट, मेरिड हो अनमेरिड हो, देन आप यहाँ पर फादर्स नेम आपको डाल देना है, आपकी सोशल कैटेगरी SC ST OBC, या फिर आप यहाँ पर नीचे सर्टिफिकेट एंटर कर सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, आपका ब्लड ग्रुप, आपको डिफरेंट एबल्ड, मतलब कि आप यहाँ पर विकलांग स्थिति में ऐसी स्थिति में हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो या फिर यहाँ पर नो कर देना है। देन गाइस, नीचे आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी डिटेल सिलेक्ट करना है। नॉमिनी गाइस यहाँ पर आप किसी को भी रख सकते हो, अपने फैमिली में से आपके फादर को, आपकी मदर को। देन यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल फिलअप करने के लिए नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपके साथ रिलेशन क्या है उनका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। गैस, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, रेसिडेंशियल डिटेल आपकी जो भी है वो सारी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जैसे आपका होम स्टेट कौन से राज्य में है, आपका करंट एड्रेस, आपका घर आपका मकान नंबर, हाउस नंबर, देन आपके लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। देन नीचे आपको स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब कि अभी आप कौन से लोकेशन पर रहते हो, आप वहीं रहते हो या फिर कहीं और रहते हो, वो वहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, यस और नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप माइग्रेंट वर्कर हो, मतलब कि आप यहाँ पर कहीं और काम करते हो, किसी अदर कंट्री में या फिर किसी दूसरी सिटी में आप काम करते हो, तो आप यहाँ पर वो सारी डिटेल फिलअप कर सकते हो, वहाँ का आप एड्रेस फिलअप कर सकते हो। ये
ये सारी डिटेल भर देने के बाद को बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाता है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जैसे कि आपके एजुकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी डाल सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। देन आपको यहाँ पर नीचे आपकी मंथली इनकम सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर मंथली इनकम का सर्टिफिकेट एंटर करना चाहते हो तो आप सर्टिफिकेट भी एंटर कर सकते हो, ये भी आपको जरूरी नहीं है। देन आपको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगला पेज आपके पास ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, आप यहाँ पर काम क्या करते हो वो सारी आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन नीचे ऑप्शन है गिग प्लेटफॉर्म और वर्कर। गाइस यहाँ पर आप किसी पार्टी कार्यकर्ता वगैरह हो तो यहाँ पर वो चूज कर लेना येस और नो में। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब कि आपका पहला काम क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आप मजदूर हो या फिर आप जो भी काम करते हो वो आपको डाल देना है। देन नीचे आ जाना है वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब जो भी काम करते हो उसका आपको यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस, आप कितने सालों से काम कर रहे हो, 1 साल से 2 साल से, वो सारी चीज़ें आपको भर देनी है। देन नीचे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मतलब कि आपके पास और कोई दूसरा काम है इसके अलावा कोई और भी दूसरा काम अगर करते हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। देन उसका अगर आपके पास उस काम का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। नीचे कैसे यहाँ पर आपको पूछता है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स मतलब कि आपने जो काम किया है उसके लिए आपने किसी तरह की कुछ ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और आप कितने सालों से कर रहे हो, आपने कब तक लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन कहीं पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, अगला पेज खुल जाता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल का। आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप कर देना है। बैंक सेंडिंग विद आधार मतलब कि जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक है वो आपको यहाँ पर वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। देन एक बार फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, आपके अकाउंट होल्डर नेम, देन IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पेज पे आपके यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा, आपको यहाँ पर उस फॉर्म को देख लेना है। आपके द्वारा जो भी डिटेल दी गई है वो जानकारी, वो सारी डिटेल सही है या गलत है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर गाइस यहाँ पर आपके द्वारा दी गई जानकारी में कुछ गलती है तो आप यहाँ पर नीचे इसको डाउन करके आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उसका करेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पर जो भी आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर वो सारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे आ जाना है। देन आप यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो आपका जो भी श्रम कार्ड है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपका UAN कार्ड मतलब कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पर प्रिंटर के साथ प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर किसी भी नज़दीकी KYC पॉइंट सेंटर जाके यहाँ पर अपना श्रम कार्ड यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, निकलवा सकते हो। बस इस तरह से आप यहाँ पर घर बैठे फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप यहाँ पर श्रम कार्ड को बना सकते हो, अपने फैमिली में किसी और को भी बना के दे सकते हो, या फिर अपने गांव में यहाँ पर आप किसी को भी श्रम कार्ड यहाँ पर बना कर दे सकते हो, या फिर यहाँ पर किसी से यहाँ पर पैसे भी अर्न कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आप पैसे भी चार्ज कर सकते हो, आप जिसका भी श्रम कार्ड बना के दे रहे हो आप यहाँ पर 30 से 40 रुपये या 50 रुपये भी उनसे चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तब भी आप उनको निकलवा के भी दे सकते हो। गाइस इस तरह से आप यहाँ पर श्रम कार्ड बना के यहाँ पर पैसे भी अर्न कर सकते हो और आप यहाँ पर में अपना श्रम कार्ड भी बना सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको श्रम कार्ड से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिल गई होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर।